शांति। ईश्वरीय स्नेह का बीज, स्नेह का बीज गुप्त है, वृक्ष प्रत्यक्ष होता है वो है सहयोगी, और सहज योगी का मिलता है फल। सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभकामना के विशेष दो पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। शुभ भावना, शुभकामना, सहयोगी बनाने की, क्योंकि आपने ईश्वरीय स्नेह दिया तो सहयोगी दूसरे तभी बनते हैं जब आप उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हैं। तभी, जब तक दो पत्ते नहीं निकलते वृक्ष की शुरुआत नहीं होती है, और वो जो दो पत्ते हैं वो है आपके अंदर से निकली हुई शुभ भावना शुभकामना। वो निकलते हैं फिर तना बनता है, फिर वृक्ष बनता है, और फिर फल मिलता है सहज योगी का। माना ये है कि आपको अपने परिवार में हर सदस्य को कैसे जोड़ना होता है। कई बार क्या होता है कि हम सेवा तो करते हैं लेकिन अरे ये थोड़ा निकलेंगे, ये थोड़ा निकलेंगे, बड़ी जल्दी दिल शिकस्ती हासिल कर लेते हैं, जबकि वो मानते हैं कि आपका सब कुछ ठीक है लेकिन उनका विश्वास नहीं बन पाता, वो धीरे धीरे बनता है। लेकिन अगर हम उन्हें सहयोगी भी बना लेते हैं तो एक ना एक दिन वो सहज योगी बन जाएंगे, ये निश्चित रखें। तो कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो सहयोगी जरूर बन जाती हैं और फिर धीरे 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 वो सहज योगी बन जाती है। कब उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है किसी को नहीं पता चलता, लेकिन उन्हें ईश्वरीय स्नेह ही खींचता है। इसीलिए चाहे कोई माने ना माने, आप सबको सहयोगी जरूर बना दें। तो जब सहयोगी बनाएंगे तो प्रत्यक्ष फल तो निकलेगा ही, आज नहीं तो कल निकलेगा, कल नहीं तो परसों निकलेगा। अब वृक्ष हुआ है और ईश्वरीय स्नेह तो बीज है और वृक्ष पैदा हो गया है तो फल तो देगा ही देगा, कब किसी समय भी दे सकता है। तो फल माना सहयोगी जीवन, माना उन आत्माओं का भी सहयोगी जीवन हो जाएगा जो आज सहयोगी बनेंगे। इसलिए सबको सहयोगी बनाना चाहिए, बहुत रहस्य है इसमें। ठीक, ओम शांति।